अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, इसकी मौत की वजह बनी शिक्षक की पिटाई। जी हाँ, वही शिक्षक जिसे कबीर ने अपने दोहे में भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया है। मगर शिक्षा के मंदिर का शिक्षक उस वक्त शैतान बन गया जब मासूम इंद्र कुमार ने स्कूल की मटकी से पानी पी लिया। बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल था, शिक्षक का नाम है छेत्री सिंह। इंद्र का कसूर ये था कि उसके नाम के आगे मेघवाल लगा था और उसे प्यास लगी थी। शैतान बने शिक्षक छेत्री का दोष कहें, प्रशासन का दोष कहें, या कहें सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन, कौन दोषी? देश ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, देश संविधान दिवस भी मनाता है। संविधान के निर्माता एक दलित ही थे, भीमराव अंबेडकर। मगर इस बढ़ते आधुनिक भारत में अभी तक ऊंच नीच, भेदभाव, जातियों को मान्यता कितनी प्राथमिक है, ये तस्वीर आए दिन देखने को मिल जाती है। और जालौर के बच्चे के साथ जो हुआ वो 75 इसी त्रासदी की कहानी है। जालौर में 9 साल के दलित बच्चे इंद्र कुमार के साथ टीचर की बेरहमी से की गई पिटाई और नतीजा उसकी मौत हो गई। इंद्र का कसूर बस इतना था कि उसने स्कूल में पानी का घड़ा छू लिया था। इसी बात से बौखलाए टीचर छेल सिंह ने बच्चे के साथ क्रूरता की। पिटाई में बच्चे के कान की नस फट गई और 25 दिन इलाज के बाद उसकी गुजरात के अहमदाबाद में मौत हो गई। अब इंद्र कुमार इस दुनिया में नहीं है, पर अब उसकी मौत पर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी की और से नेताओं ने गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने, साथ ही विधायक और सांसदों ने प्रदेश में हो रहे दलित अत्याचारों को लेकर सीधे सीएम अशोक गहलोत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जालौर की इस घटना पर 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही मायावती ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाली। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान के जालौर जिले के सुराणा में प्राइवेट स्कूल के 9 साल के दलित छात्र द्वारा प्यास लगने पर मटके से पानी पीने पर सवर्ण जाति के जातिवादी सोच के शिक्षक ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि कल उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा व भदर्स न की जाए वह कम। दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, राजस्थान में आए दिन ऐसी जातिवादी दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार वहां खासकर दलितों, आदिवासियों और उपेक्षितों आदि के जान और इज्जत, आबरू की सुरक्षा करने में नाकाम है। अतः इस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो बेहतर। बच्चे के माँ बाप की स्थिति के बारे में तो शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। वहीं मामले पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। वैसे प्रदेश के किसी दलित की हत्या या फिर दलित के नाम पर सियासत पहली बार नहीं हो रही है, मगर हर बार बस मामला सियासी रोटियां सेकने तक ही सीमित रह जाता है। आपको पीएम मोदी का एक बयान सुनवा देते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। पीएम की अपील रही हो, चाहे संविधान के नियम कानून सब ताक पर रख जाते हैं, जब दरिंदगी की ऐसी तस्वीर सामने आती है तब गला भर जाता है, आंखों में आंसू होते हैं, शब्द मौन होते हैं। और यहीं से शुरू हो जाती है राजनीतिक पार्टियों की सियासी चालें, जो चलती रहती हैं और बस चलती रहती हैं।